अगर आप भी Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज़ करते हैं और आप अपने डिवाइस को जब भी यूज़ करते होंगे तो आपको चार्जिंग के अकॉर्डिंग अपने डिवाइस में स्पीड आपको स्लो देखने को मिलती होगी। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपको भी फेस करने को मिल रही है अपने Realme एंड Oppo में तो किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे हम पॉसिबल सॉल्यूशन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उस सिचुएशन के लिए जब आपको ऐसी क्रिएट होगी। आपका अगर चार्जिंग स्लो हो जाएगा तो आप जो है कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली फॉलो कर लेने चाहिए। अगर आप इन चीजों को नहीं फॉलो करते तो आपको फ्यूचर तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने डिवाइस में चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लो लग रही है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पहले के टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअली में जब स्टार्टिंग में आप डिवाइस लेके आते हैं तो क्या होता है कि आप पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं और आपको प्रॉब्लम पहले नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि आपका डिवाइस की परफॉर्मेंस चार्जिंग की उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, ज़रूरी ही नहीं है कि वहाँ पे आपका चार्जर ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका यूएसबी का अडेप्टर ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिवाइस की बैटरी ख़राब हो या फिर आपका पोर्ट ख़राब हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल यही हो सकता है, फिजिकल भी मान सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर में, मतलब एक सिचुएशन बन सकती है कि हाँ फिजिकली कोई पार्ट डैमेज हो गया होगा तो अलग की बात है। लेकिन आपको पता है, देखिए एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि दिक्कत ये होती है कि कभी कभी डिवाइस में ऐसे नए फीचर मिल जाते हैं जिसमें जो है यूज़र को वो फीचर ऑन कर लेते हैं और वो फीचर क्या करते हैं, हमारे डिवाइस में जो बैटरी से रिलेटेड जो चार्जिंग वाले होते हैं ऑप्शन, उनको स्लो कर देती है, ठीक है। तो अगर आप उन फीचर को बिना, मतलब समझे, बिना जाने, बिना एनालिसिस करे उसको अगर आप टर्न ऑन कर लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिवाइस स्लो चार्ज होता है, ठीक है। अब कुछ फीचर आपके डिवाइस में रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता है, आप उसको जो है बाय मिस्टेक ऑन कर लेते हैं या फिर अपडेट के बाद वो बाय मिस्टेक ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आपको लगता है भाई अभी मैंने अपडेट किया था उससे पहले मेरा डिवाइस अच्छा चल रहा था लेकिन अपडेट के बाद डिवाइस स्लो हो गया, ठीक है। तो आप तमाम वीडियो देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे कुछ एक दो फीचर ऐसे होते हैं जो कि आपके डिवाइस के लिए ब्रेकर का वर्क करते हैं, तो उस ब्रेकर को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में आपको चेकआउट कर लेना है आपके डिवाइस में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो बैटरी से रिलेटेड नए आए हों, उनको आपको जल्द से जल्द जो है डिसेबल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैटरी में जाना है, ठीक है। बैटरी में जाने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके के यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एडवांस सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। अब एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे की साइड में एक फीचर मिलता है जो कि ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग का ये फीचर है। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आप इस ये वाला फीचर ऑन कर लेते हैं तो जब भी आप नाइट में अपने डिवाइस को चार्ज करेंगे तो आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिचुएशन। बिकॉज होता क्या है कि एक्चुअली में जब ये चार्जिंग ऑन होता है तो नाइट चार्जिंग के लिए इसलिए दिया गया है बिकॉज कई सारे जो यूजर्स होते हैं अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद सो जाते हैं भाई, उनको कोई फिक्र नहीं रहता है कि डिवाइस कितने घंटे में चार्ज हो रहा है। अगर आपका फास्ट चार्जिंग है तो आपको पता है 10 से 15 मिनट में, एक घंटे के अंदर आपका डिवाइस 100% हो जाएगा, लेकिन आपका डिवाइस पूरी रात जो है लगा रहता है चार्जिंग से, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट रहता है और इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट रहता है, तो ऐसे में बैटरी ओवर चार्जिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो कंपनी है या सॉफ्टवेयर टीम है उन्होंने बैटरी पे वर्क किया और उन्होंने एक फीचर यहाँ पे लॉन्च किया जिसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग को लेकर दिया है। अब इस ऑप्शन को जब आप इनेबल करेंगे तो आपका डिवाइस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्लो इतना स्लो चार्ज होगा कि सुबह 6 बज जाएंगे तब भी आपका डिवाइस पूरी तरीके से चार्ज होता रहेगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे दो बेनिफिट है, मतलब आपका डिवाइस ओवर चार्ज नहीं होगा और जब आप क्या बोलते हैं कि रात भर लगने के बाद जो हीटिंग का इशू आता है ना या फिर ज़्यादा लग जाएगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं, तो आप इस फीचर को देख लीजिएगा अगर आपके डिवाइस में बैटरी स्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं ये फीचर हो सकता है कि ऑन किया हो आपने गलती से और यही फीचर जो है कहीं ना कहीं आपके डिवाइस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो ज़रूर से इसको आप देख लीजिएगा। वेल, आप बताइएगा आपको ये फीचर मिला है फिर नहीं मिला है देखने को, कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। होपली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।